देन द रिटेलर हैज़ टू सेलेक्ट आफ्टर आइडेंटिफाइंग अपना मिशन ऑनरशिप का डिसीजन मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव उसको ये देखना है कि विच टाइप ऑफ स्टैब्लिशमेंट गुड्स और सर्विसेज द रिटेलर इज़ गोइंग टू फॉलो तो हमारे पास वो डिफरेंट ऑप्शन हैं लेट मी शेयर इट बिद्यू ताकि आपको एक आइडिया हो सके क्लिम्प पता लग सके क्या रिटेलर के पास ऑप्शन हैं चूज़ करने के लिए फ्रॉम द गुड और सर्विस स्टैब्लिशमेंट के परस्पेक्टिव में सो so, रिटेलर को ये देखना है कि वो ड्यूरेबल गुड्स के स्टोर को ओपन करने के लिए जा रहा है या वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स स्टोर को ओपन करने के लिए जा रहा है सो so, अगर हम ड्यूरेबल गुड्स स्टोर की बात करें तो वो ऑटोमेटिव ग्रुप को चूज करने के लिए जा रहा है फर्नीचर बिजनेस को ऑप्ट करने के लिए जा रहा है अप्लायंसेस को इलेक्ट्रॉनिक्स बिज़नेस को वाइट गुड्स को ब्राइंड गुड्स को इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहा है या वो बिल्डिंग हार्डवेयर स्टोर की पर्सपेक्टिव को फॉलो करने के जा रहा है या वो किसी ज्वेलरी स्टोर के तरह के स्टोर को ओपन करने के लिए जा रहा है अगर हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो क्या वो खाडी जे डॉट जुनेद जमशेद की तरह के कोई रिटेल स्टोर ओपन करने के लिए जा रहा है विच इज़ एन अपैरल स्टोर अपैरल ग्रुप को करने जा रहा है या वो किसी फूड ग्रुप uh, को फॉलो करने के लिए जा रहा है वो कोई ग्रॉसरी स्टोर खोलने के लिए जा रहा है या खोलना चाहिए उसको जनरल मर्चेंडाइज ग्रुप को फॉलो करने जा रहा है या एक गैसलिन सर्विस स्टेशन को ओपन करने के लिए वो जा रहा है तो गुड्स के हवाले से रिटेलर के पास दो तरह की मेजर ऑप्शंस है ड्यूरेबल गुड्स स्टोर या नॉन ड्यूरेबल गुड्स स्टोर और फिर इसके अंदर भी रिटेलर हैज द राइट टू चूज के वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर बिजनेस करना जा रहा है या उन तमाम ग्रुप्स को कंबाइन करके किसी हाइपर मार्केट किसी सुपर मार्केट के फॉर्मेट के ऊपर काम करना जा रहा है आफ्टर द गुड्स सर्विसेज के हवाले से बात आती है कि कौन सी सर्विस स्टैब्लिशमेंट वो करने जा रहा है आ, या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं सबसे पहले सर्विस स्टैब्लिशमेंट रिलेटेड टू पर्सनल तो वो लॉन्ड्री बिजनेस ड्राई क्लिनिंग बिजनेस बार्बर का बिजनेस ब्यूटी सलून का बिज़नेस को फ्यूनरल सर्विसज का बिज़नेस हेल्थ केयर का सर्विसेज का बिजनेस ये वो हैं जो कि सर्विस स्टैब्लिशमेंट्स हैं और Uh, की बेस के ऊपर है तो अगर रिटेलर को आइडेंटिफाई करना है कि वो इनमें से कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि वो स्टार्ट करने के लिए जा रहा है अगर तो वो सर्विसेज uh, स्टेब्लिशमेंट को ऑप्ट करता है और एम्यूजमेंट से रिलेटेड है सो क्या वो मूवी थिएटर ओपन करने जा रहा है या वो कोई बॉलिंग क्लब खोलने के लिए जा रहा है या वो कोई गोल्फ कोर्स ओपन करने के लिए जा रहा है इसी तरीके से सर्विस के हवाले से थर्ड जो उसके पास ऑप्शन है सर्विस एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इट इज़ अबाउट द रिपेयर बिजनेस क्या वो ऑटोमोबाइल की रिपेयर बिजनेस है या वो मोबाइल का रिपेयर है या वो इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयर बिजनेस है अप्लायसेज का रिपेयर बिजनेस है वो कार वॉश की सर्विसेज हैं तो अगर वो इन सर्विसेज को करने के लिए जा रहा है देन जो काइंड ऑफ रिटेल सर्विस स्टैब्लिशमेंट ऑप्ट करेगा वो फिर ये वाली होगी अगर तो वो अपने लास्ट मॉडल के ऊपर जाता है लास्ट ऑप्शन उसके पास है इट इज अबाउट द सर्विस स्टैब्लिशमेंट परटेन्स टू होटेल्स तो क्या वो रिटेलर कोई होटल ओपन करने जा रहा है कोई मोटेल ओपन करने के लिए जा रहा है क्या उसके जहन में कुछ कैंपिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट है कोई ट्रेलर पार्क्स का है कोई थीम पार्क का कॉन्सेप्ट है सो ये सारे के सारे वो सर्विस स्टैब्लिशमेंट होटल के परस्पेक्टिव में कैटेगरीज आएंगी तो रिटेलर को मिशन चूज करने के बाद अपनी मैनेजमेंट और डिसीजन लेने के बाद अबाउट द ऑनरशिप उसको चूज करना है कि वो किस टाइप ऑफ रिटेल स्टैब्लिशमेंट को करने में इंटरेस्टेड है वो कौन सी गुड्स स्टैब्लिशमेंट करने में के लिए इंटरेस्टेड है वो कौन सी सर्विस स्टैब्लिशमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है या वो गुड्स और सर्विस स्टैब्लिशमेंट कौन सी करने के लिए इंटरेस्टेड है वंस द रिटेलर विल फाइनलाइज दिस तो वो फिर फॉरन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करेगा